मिराटे की फ्लैशिंग कर लेंगे, क्वालकॉम की फ्लैशिंग, एम आई, सैमसंग, आईफोन, स्पेक्ट्रम। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी सभी लोग तो बोल रहे हैं यस सर। अब इनसे देखते हैं, पूछते हम एक एक करके पूछेंगे कि इन्होंने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है सारी चीजें। तो सेम मेथड है, आप बता दो मैनुअली ड्राइवर हम कैसे देते हैं? सर पहले हमें डिवाइस मैनेजर की सेटिंग में जाना होगा, ठीक। उसके बाद में हमें एक्शन पर क्लिक करने के बाद में उस पर एक ऑप्शन आएगा एड लेजेसी हार्डवेयर, वेरी गुड। उस पर क्लिक करने के बाद में एक पेज खुलेगा जिसमें ऑप्शन आएगा नेक्स्ट करने का। तो नेक्स्ट करने के बाद में मुझे दो ऑप्शंस पूछेगा कि आप मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली, वेरी गुड। तो मुझे मैनुअली पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पढ़ना होगा, उस पर एक ऑप्शन आएगा हैव अ डिस्क का। तो हैव अ डिस्क के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद में मुझे वो लोकेशन पूछेगा कि आपके ड्राइवर पड़ा कहाँ हुआ है जी। तो मुझे उस ड्राइवर की लोकेशन पर जाकर के उन फाइलों को सिलेक्ट करने के बाद में मुझे नेक्स्ट करके अप्लाई करके इंस्टॉल कर देना होगा, वेरी गुड। अब छोटा सा सवाल कि आपको कैसा फील हो रहा है सॉफ्टवेयर में? सर बता नहीं सकते, क्योंकि इतना जो सोचा नहीं था उससे बहुत ज्यादा मुझे यहाँ मिला है सर। चलिए ठीक, इंडियन भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। तो आज ये कर रहे हैं सबसे ज्यादा, मैं आपको दिखा दूं FRP हटाने पे, ये माइक्रोमैक्स का है, पर लावा और माइक्रोमैक्स में आपको बता दूं DL फाइल का बहुत है, पर पहले इसका सोल्यूशन नहीं था। ये देख लीजिए आप, तो ये हमारे स्टूडेंट DL फाइल का एक इरर आ रहा है। तो अगर ये DL फाइल का इरर आता है तो सबसे अच्छा तो वीडियो हमारे स्टूडेंट के लिए होता है। अगर कभी इनकेस हमारे साथ ऐसा होता है तो हम अपना ही वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हमारे स्टूडेंट निकालेंगे, इसका DL फाइल एरर ये कैसे आया, FRP हम हटा रहे थे तो इनकेस ये DL फाइल का एरर आ गया है, ठीक है। किससे कर रहे हैं हम लोग? अमेरिकन थंडर से, ठीक है। इसमें कोई फाइल देने की जरूरत नहीं है, वन क्लिक आपको हट जाएगा DL फाइल एरर। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है बताइए जरा, इनको वो दे दो, जरा डंडा दे दो उनको, डंडे के साथ में अच्छे से कर लेंगे। कहाँ पे रॉड, कहाँ पर होता है ये देखो, बताओ इधर कहाँ पे टिक करना है। पहले एनए के में जाना है, उसके बाद अनलॉक फिक्स DL इंपोर्ट। अगर दुर्गेश देवी बता दो, अगर मान लो ये नहीं है तो हम कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो नीचे कमेंट करेंगे तो फ्लैशिंग में तो कर सकते हैं ना। स्केटर फाइल आप इसको SP फ्लैश टूल से कैश फाइल से अभी से कर सकते हैं, कैश फाइल। तो उसके लिए तो पर पूरा फाइल चाहिए, उसके लिए फिर आपको पूरा फाइल चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कौन से मोड से करेंगे बताइए। फ्लैश मोड, फ्लैश मोड में फोन ऑन होता है कि ऑफ होता है? ऑफ होता है। पूरे फ्लैश मोड को बूट की क्या है कोई भी फोन का, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए ठीक है, पहले ये बता दीजिए बूट में लेना है ऑटो बूट लेना है, ठीक है। कुछ भी चेंज करना जरूरत नहीं, यूनिवर्सल पहले ठीक है। यूनिवर्सल में कब चेंज करना है, जब अगर उसमें उसका मॉडल नहीं मतलब है तो उधर, ठीक है। अभी स्टार्ट दबा दो, ठीक है। अब वही, या तो वॉल्यूम अप या तो डाउन या तो डायरेक्ट, ठीक है, या तो दोनों। इवन आप देखोगे तो साथ में भी वही चीज लिखी हुई है 1 2 3 4 में। चलिए कनेक्ट करें, देखिए यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। तो अभी देखो आपने कुछ दबाया क्या इधर? कुछ नहीं दबाया, चार्जिंग का पोर्ट आ गया, ठीक है। अब इसे बूट करेंगे, निकालिए वापस वो DL इमेज पे आ गया। अगर इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको क्या करना है, मोबाइल को फिर से प्रॉपर ऑन करना है। अगर ये बैटरी निकलती है तो बैटरी निकाल के फिर से लगाना है, अगर इनवेल्ड है तो इसे प्रॉपर ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे फिर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा इन केस नहीं होता है इस कंडीशन में, ठीक है। देखिए हट जाएगा, ये देखिए ये बैटरी का ही होता है मसला, नहीं पता नहीं नहीं। तो अगर मान लीजिए कनेक्ट नहीं होता है तो आप एक बार क्या कर सकते हैं दुर्गेश, बता दीजिए। बैटरी को पूरी तरह से निकालेंगे फिर लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला कनेक्ट होने का यही होता है, पर टेक्नीशियन नहीं जानते ये, क्योंकि वो सोचते हैं कि पावर ऑफ कर दिया हमने एक बार तो ऑफ ही है। तो ऑलवेज ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोगों के लिए खासकर आप बैटरी को खोल लेंगे, पीछे से कवर को खोल लेंगे, बैटरी निकाल लेंगे अगर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो।
तो उससे आपके लिए फायदा होगा। बूट करने में एक बार कर दिया ना, वो प्रॉब्लम वही हो रहा था, एक बार बूट कर दिया तो वो उसमें जो भी है नहीं लेता है कनेक्ट, इसलिए आप बैटरी को रिमूव करेंगे एक बार पूरी तरीके से। तो वेरीफाई डन हो चुका है, हम वेट करेंगे। हो गया डन हो चुका है, अच्छा डन हो चुका है, निकाल लो, निकाल लीजिए सेट और एक बार ऑन करें। अब ऑन करो जरा पावर की, दबाओ, ये देखिए देखिए ऑन हो गया है। तो यहाँ पे डीएल इमेज हटाया है हमने, हमारे स्टूडेंट ने आपको मिलकर टेक जो पढ़ाया, समझ में आया आपको? समझ में आया कैमरे में देख, आपको समझ में आया? समझ में आया। स्कैटर फाइल, कौन सा टूल, बाइंडिंग फाइल, सारी चीज, इवन कल जो आपको पढ़ाया था सारे टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं प्रॉपरली तरीके से, यहाँ के डाटा जो आपको मिल रहा है वो समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ रही ना यहाँ पर, कुछ भी जरूरत नहीं। आप लोग बताइए, आप सभी लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मीडियाटेक का फोन को फ्लैश करना है तो फ्लैश कर सकते हैं अपन? हाथ उठा के बताओ कौन कौन फ्लैश कर सकता है। सो देखिए, ये हमारा दूसरे दिन का क्लास है, साथ में है 28 दिसंबर का बैच। और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए? 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए? यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, तीन बार, सर, दो बार। फिर अरे वकार खान ने भी दो बार किया है, वेरी गुड, 7 बार, वेरी गुड, दो बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, 3 बार, 6 बार, 6 बार किया आपने, 6 बार किया, 4 बार किया है, वेरी गुड, 2 बार, इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार, कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर, भी बोलना है बात, ठीक है, अच्छा ठीक है, नीचे अगले, आप किन किन ने 1 टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर 1 टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो, कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार, 8 बार किया तुमने? 3 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो, 2 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो बस, 14 बार, 14 बार, क्या बात कर रहे हो इतना? 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ, 3 बार, ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है? कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो आप, 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए, 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, सर 5 बार, 7 बार, 2 बार, बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ, 3 बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 5 बार, सर 5 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार, तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस तो अब बताइए पहले के में और अब के में क्या अंतर है आपको? बहुत फर्क है सर, जैसे कि
हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम हो, लेकिन यहाँ आके आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, ये सब सारी चीजें आपको यहीं आके ही सीखनी। आज भी बहुत सारे टेक्नीशियन ये काम कर रहे हैं उसके बाद भी इसको स्प्लिन नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कंपोनेंट्स की जानकारी, फिर भी वो सिर्फ कर लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक अंदाजा अंदाजा वेरी गुड अंदाजा से कर नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ कोई जादू करने नहीं बैठे हो। सही है, आप रिपेयरिंग करने बैठे आपको एक्यूरेट रीडिंग एक्यूरेट वोल्टेज सब चीज की जानकारी होनी। बिल्कुल सेटिस्फाई यहाँ पर, तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या होगा बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारी भी चीजें क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर, आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शायद वो सब अलग शुरू से, और सर अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी किए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि एशियन टेलीकॉम बेस्ट है इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशियन टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में, एक महीना पूरा पढ़ा पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं यूफाई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे क्योंकि आपको एमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा तो मैं अच्छा कब से काम कर रहे हैं सर? मेरा कॉन्फिडेंस छह साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा था, सर्टिफाइड नहीं है क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से इसे टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने इसे टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है कि नहीं पहनी है? पहनी है। ठीक है, पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया शॉर्टिंग तो बना लेता है, अब शॉर्टिंग क्या होता है कि मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो मैं पावर ऐसे निकाले सब कुछ और निकाल इंडिया का नंबर 1 शूट कर रहे आप ही लगा कि प्रॉपर में आप। थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे
आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए वो टेक्नीशियन लोग, तो उनको हम नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, तो लगता था एक हिसाब से। हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की बैंक क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है वहाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है क्या इंग्लिश में बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि तुम्हें बोलना नहीं है बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हो, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है सुना जाए, तो मैंने फिर नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है और यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आईफोन फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सक लेगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा
कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का पैक, उसका सप्लाई, ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Council 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.